नमस्कार। बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नवरात्र का मां सिद्धिदात्री का पूजन, मंदिरों में गूंजे मां की जयकारे, हवन पूजन के साथ कन्या भोज का हुआ आयोजन। और विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के मद्देनजर कलेक्ट्रेट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, तीनों गेटों पर पुलिस बल किया गया तैनात। नवरात्रि की नौमी पर माता के नौवे स्वरूप मां सिद्धिदात्री का पूजन किया गया। संस्कारधानी के देवी मंदिरों में महानवमी पर भक्तों की भीड़ लगी रही और उनके द्वारा हवन के साथ ही कन्याओं की भी पूजा की। आदि शक्ति का नौवा स्वरूप मां सिद्धिदात्री का है और माता रानी के इस स्वरूप की पूजा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उन्हें रोग शोक एवं भय से मुक्ति मिलती है। संस्कारधानी वासियों ने भी जगत जननी के इस दिव्य स्वरूप का विधि विधान से पूजन किया। रामपुर छापर स्थित सिद्ध जोगनी माता मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहां पर मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। आज नौमी है, सिद्धरात्रि देवी का दिन हैगा। ये जोगनी माता मंदिर रामपुर छापर के अंदर पड़ता है। बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने किया पूजा। ये जोगनी माता मंदिर है, सब लोग यहाँ पे आते हैं, सब भक्तजनों आते हैं यहाँ पर पूजा करने। माता रानी को मनाने के लिए किस तरह पूजन करते हैं? सुबह उठकर 7-8 बजे नहा धो के हमारे घर के सामने भी एक मंदिर है, आरती करते हैं, नौमी के 9 दिन उपास रहते हैं, कन्या भोजन करते हैं। मैं 64 जोगनी माता के पास आई हूँ। यहाँ सभी लोग आते हैं, जो मांग वो ही मिलता है। बहुत मन्नत, जो भी मांगे जो सब कुछ मिलता है। 9 दिन बहुत श्रद्धा से हम लोग पूजा पाठ करते हैं और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और जो मांगो वो ही मिलता है। माँ भाव से नवरात्रि माता नौमी का दिन है आज। और सुबह 5 बजे से ही पूजा पाठ चालू हो जाता है माई के दर पे। और श्रद्धा विश्वास से आइए तो सबका पूरन होता है। ये दरबार सभी के लिए है, माता सभी के लिए। भाव से आओगे तो सबकी सुनेगी माई, जंगल की देवी आदि शक्ति माई जोगनी, सबकी मनोकामना 64 जोगनी माई सबकी मनोकामना पूरी करे। हमारी भी जैसे सुनी है उसे माई सबकी सुने। भैया ये प्राचीन बहुत पहले का 14-15 शताब्दी का मंदिर है जिसका वंशावली कोई जानता नहीं है। ठीक, और बहुत सिद्ध मंदिर है, तांत्रिक है। यहाँ जो भी भक्त अपनी कामनाओं को लेके आता है कभी निराश होकर नहीं जाता है। मैया की ऐसी कृपा है कि बहुत दूर दूर से लोगों को यहाँ पर आते हैं और सबकी कामना पूर्ण होती है। उनको जैसे मिलता है बेचारों के, उसी तरीके से अपने भाव बस पूजा करके अपने घर स्थान चले जाते हैं। महानवमी के साथ ही नवरात्रि पर्व का समापन हो गया है, लिहाजा भक्तों के द्वारा अंतिम दिन भी भक्ति भाव से पूजन अर्चन कर मंगल कामना की गई। सिटी बंगाली क्लब दुर्गा उत्सव समिति द्वारा महानवमी पूजन का आयोजन किया गया। एक कन्या का मां दुर्गा के रूप में श्रृंगार किया गया। आयोजन में बंगाली परिवार शामिल रहे। सांकेतिक रूप से कुम्हड़े, गन्ने और केले की बलि देकर मां भगवती का आवाहन। बंगाली समाज में दुर्गा नवमी का विशेष महत्व है। इस दिन सिटी बंगाली क्लब में महानवमी का पूजन धूमधाम से किया गया। मां दुर्गा के रूप में कन्या का श्रृंगार कर उसका पूजन हुआ। कन्या को पालकी में बैठाकर दुर्गा पंडाल तक लाया गया, उसके बाद जीवंत रूप में देवी का पूजन हुआ। बड़ी संख्या में बंगाली परिवार इस विशेष पूजन में शामिल हुए। इस बार 98 दुर्गोत्सव मना रहे हैं। षष्ठी से ये पूजा प्रारंभ होती है, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी। नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व रहता है। एक छोटी कन्या को उसको पूर्ण श्रृंगार के साथ सजा के यहाँ बैठालते हैं और प्रतिवर्ष हम लोग उसको उपास रह के आते हैं, उसको पूजन होता है। पूरे श्रृंगार से एक एक करके उसका पूजन करके उसको पहनाया जाता है। पूजन के बाद पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और इस प्रकार नवमी में कन्या पूजन का उत्सव। सिटी बंगाली क्लब का आज का दिन महानवमी है। आज का दिन जो माता रानी मृन्मयी से चिन्मयी जो होता है, चिन्मयी से जो मृन्मयी में हम लोग ले हैं, उनकी आज कन्या पूजा होती है। आज के दिन हम लोग 9 कन्या की बहुत जगह पूजा होती है, पर हम एक ब्राह्मण कन्या जो होते हैं उनकी पूजा होती है। और जो यहाँ का परंपरा है, जो आप देखे हो पालकी से आई हुई है माता रानी का जो पालकी है वैष्णो देवी से आ रही है,
वो वहीं के पालकी में बैठ के यहाँ प्रदक्षिण करने के बाद अपने स्टेज में उनको, उसके बाद पूजा स्टार्ट है। सिद्धिबाला बोस लाइब्रेरी एसोसिएशन सिटी बंगाली क्लब में दुर्गा पूजा का आज महानवमी पूजा आज सुबह से प्रारंभ हुई, और इस पूजा के अंतर्गत सबसे पहले बलि जो हमारे यहाँ प्रथा है उसमें भूरे कुम्भड़े गन्ना केला इसकी बलि दी जाती है। इसके बाद कुमारी कन्या की आज पूजा संपन्न हुई, इसके बाद हवन और अंजलि के बाद भोग वितरण होगा, और शाम को जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत कलकत्ता से कलाकार आएंगे और अपनी प्रस्तुति देंगे। दरअसल बंगाली समाज माँ दुर्गा को बेटी रूप में पूजता है। ऐसी मान्यता है कि 9 दिनों के लिए बेटी अपने मायके में आती है, जहाँ उसके सम्मान में विविध आयोजन लगातार किए जाते हैं। 10वें दिन माँ भगवती की विदाई भी बेटी की तरह की जाती है। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। कलेक्ट्रेट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। तीनों गेटों पर पुलिस बल तैनात किया गया है, साथ ही बैरिकेडिंग की गई। विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी अपना नामांकन फॉर्म निर्भय होकर के इसके लिए कलेक्ट्रेट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तीनों गेटों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है, साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। कार्यालय आने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है। विधानसभा चुनाव 2023 मैं प्रत्याशी जो हैं इनके नामांकन की प्रक्रिया यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर में चल रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कार्यालय से इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यवस्था लगाई गई है, जिसमें 3 गेट हैं, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, तीनों गेटों की व्यवस्था है। साथ ही अंदर परिसर में भी जहाँ पे फॉर्म वगैरह भरे जाएंगे वहाँ पर व्यवस्था लगाई गई है। जो आदर्श आचार संहिता है उसका पालन हो, पूर्णतः 100% इसका पालन किया जाए, इस संबंध में सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। नामांकन प्रक्रिया 30 अक्टूबर तक जारी रहेगी। अधिकारियों का कहना है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का ध्यान रखा जा रहा है। राजनीतिक लिहाज से अहम जबलपुर जिले की कैंट विधानसभा के 1,85,616 मतदाता चुनावी समर में उतरे प्रत्याशियों की हार जीत का फैसला करेंगे। 213 मतदान केंद्रों वाली इस असेंबली क्षेत्र में महिला वोटर्स की संख्या 91,665 है, जबकि पुरुष मतदाता 93,942 है, वहीं अन्य वोटर्स 9 है। आयोग निर्माणी सहित प्राचीन मंदिर, कैंट बोर्ड कार्यालय एवं विश्वविद्यालय भी इसी विधानसभा का हिस्सा है। राजनीतिक लिहाज से अहम माने जाने वाले कैंट विधानसभा क्षेत्र में भी चुनावी हलचल तेज हो गई है। 1,85,616 मतदाताओं वाली इस विधानसभा में पुरुष मतदाता 93,942 हैं, जबकि महिला वोटर्स 91,665 हैं। खास बात ये है कि इस असेंबली में पिछले 6 बार से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिला है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी और अन्य दल भी अपने आप को तीसरे विकल्प के रूप में जनता के सामने रखने चुनाव मैदान में है। आयुध निर्माणी, कैंट बोर्ड कार्यालय, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय सहित प्राचीन मंदिर एवं इमारतें भी इस विधानसभा का हिस्सा है। वहीं मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बाद 18 से 19 वर्ष के वोटर्स की संख्या भी 4,490 हो गई है। इस लिहाज से इनके वोट भी चुनाव परिणामों की दशा और दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। बहरहाल 17 नवंबर को होने वाले मतदान एवं 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के बाद जीत हार का पता चल सकेगा। त्योहारों पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की दृष्टि से लगाई गई पुलिस व्यवस्था का जायजा लेने बीती रात SP आदित्य प्रताप सिंह ने विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण। SP आदित्य प्रताप सिंह मारुताल, गढ़ा, तिलवारा सहित अन्य थानों में भी पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि नवरात्र और दशहरा पर्व को देखते हुए जिले और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी थानों का बल तैनात किया गया है। जबलपुर पुलिस है, उसका पूरा बल आज लगा हुआ है। हमारे सभी ऑफिसर्स, हमारे एडिशनल SP, हमारे CSP, सभी थाना प्रभारी और पूरा स्टाफ जो है आज की अवस्था में लगा हुआ है, और आने वाले अगले 2 दिन आज की तरह ही रहेंगे, जिसमें लोगों का मूवमेंट रात को करीब 3-4 बजे तक रहता है। तो हमारी व्यवस्था लगी हुई है, क्योंकि काफ़ी लोग सड़क पे हैं, 2-पहिया 4 वाहन से, तो कई बार कई पॉकेट्स में जहाँ पर मूर्तियाँ रखी हुई हैं माता जी की, वहाँ पर ट्रैफिक जैम होते हैं, तो हमारे जो पॉइंट है वो नीचे से। चेरीताल सरस्वती कॉलोनी में बेहद धीमी गति से कराया जा रहा नाला निर्माण कार्य क्षेत्रीय जनता के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। निर्माण सामग्री सड़क पर फैली है, जिसकी वजह से आवागमन भी बाधित हो रहा है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी ध्यान नहीं।
चिरीताल सरस्वती कॉलोनी में कराया जा रहा नाला निर्माण कार्य पिछले 4 महीनों से अधूरा है। ठेकेदार द्वारा बीच बीच में काम बंद कर दिया जाता है। ना तो समय सीमा का ध्यान रखा जा रहा है और ना ही गुणवत्ता का। बेहद धीमी गति से कराया जा रहा नाला निर्माण कार्य क्षेत्रीय जनता के लिए सिर दर्द बना हुआ है। निर्माण सामग्री और मिट्टी का ढेर सड़क पर लगा हुआ है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। नाला जल्दी बन जाता तो कॉलोनी वासियों को फायदा होता, इससे लोगों को इसरसुडी कॉलोनी। इनका करीब 1-2 महीने से निर्माण कर रहा है और ये पानी के कारण परेशानी हो रही, बन नहीं पा रहा है। वाहन गिर भी जाते हैं, लोगों को आने जाने में तो परेशानी हो ही रही, मटेरियल पूरा रोड पर डला है। मेहरबानी करके जल्दी बनवा दिया जाए, जनता को परेशानी से बचाओ। नगर निगम लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर ठेकेदार से दोस्ती निभा रहे हैं और खामियाजा जनता को भोगना पड़ रहा है। जबलपुर के ऐतिहासिक धरोहरों में शुमार बड़ा फुहारा इन दिनों बदहाली का शिकार है। फुहारे की रोटरी के भीतर लगे कचरे के ढेर और गंदगी इसकी अनदेखी किए जाने की दास्तां बयां कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस ऐतिहासिक धरोहर की शोभा केवल तीज त्योहार पर ही ली जाती है। जबलपुर के ऐतिहासिक धरोहरों में शुमार बड़ा फुहारा इन दिनों बदहाली का शिकार है। रोटरी के भीतर जगह जगह फैली गंदगी इसकी बदहाली की कहानी बयां कर रही है। देख रेख और साफ सफाई के अभाव में इसकी दुर्दशा हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा बड़ा फुहारा अपने जीर्णोद्धार की राह देख रहा है। फुहारे की स्थिति बहुत बहुत खराब है। मेरे 90 साल हो गए हैं, मैं देख रहा हूँ और पूरा अवस्थित है। मतलब पूरे अतिक्रमण, पूरा चारों तरफ अतिक्रमण हुए। तो क्या दुकानदार क्या है, उनको अपने पैसा लेके सामने दुकान लगा दे देते हैं। इस कारण से बहुत ही कठिनाई होती है। और जो अपने कमरिया गेट की जो घड़ी है बहुत ख़राब है, चारों तरफ का व्यवस्था होना चाहिए। इतनी भीड़ हो जाती है कि चलना मुश्किल हो जाता है। फुहारे में लाइट नहीं है और पानी था वो भी खत्म हो गया। ना फुहारे होता है तो कुछ होता है, ना फुहारा, मगर फुहारे का सवाल पता ही नहीं है। कचरा उसी में डालते हैं, सफाई होती नहीं है। ये कमानिया गेट जो है हम लोग बचपन से देख रहे हैं, बहुत साफ सुथरा रहा, लेकिन अब उसकी जो साफ सफाई थी और जो भी था उसका प्राचीन रूप खोता जा रहा है। और जो वहाँ पे दुकान लगती है वहाँ सब कचरा फैला के चला जाते हैं फुटपाथ पे। ये वहाँ के व्यापारी सब जितने जनता है जो है कि रात में जो लोग जाते हैं तो उनसे कचरा उठवाएं भैया कि साफ करके जाए, उनकी जवाबदारी है। नगर निगम भी ध्यान दें। और घड़ी मेरे ख्याल से 4-5 साल से बंद पड़ी है, उसको पुनः चालू करने के लिए प्रयास करें। नगर निगम कमिश्नर से हम लोगों का आग्रह है कि आप उस तरफ ध्यान दे के उसको घड़ी को रिपेयर कराएं, मेंटेनेंस कराएं, जो भी कराएं उसको फिर से भव्य रूप दें उसका, कमानिया गेट का। शहरवासियों ने इस ऐतिहासिक धरोहर को व्यवस्थित करने की मांग की है। प्रशासन चाहे जितना भी सड़कों के गड्ढे मुक्त होने का दावा करें, लेकिन शहर की कई सड़कें ऐसी हैं जिनकी हालत खस्ता हाल है। रानीताल चौक से टेलीग्राफ गेट नंबर 2 होते हुए यातायात थाने जाने वाली सड़क पर गड्ढों की भरमार है, जो स्थानीय लोगों सहित राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। चांद की सतह की तरह दिखने वाला यह नजारा सड़कों को गड्ढों से मुक्त रखने के दावों की पोल खोल रहा है। रानीताल चौक से टेलीग्राफ चौक होते हुए यातायात थाने जाने वाली इस सड़क पर कदम कदम पर गड्ढों की भरमार है, जो राहगीरों के लिए आए दिन होने वाले हादसों का सबब बना हुआ है। फ्लाईओवर निर्माण एजेंसी प्रशासन के सड़क को मोटरेबल बनाने के आदेश का माहौल उड़ा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि फ्लाईओवर निर्माण की लागत उन्हें भरना पड़ रही है और सड़क के गड्ढों के कारण आए दिन वो दुर्घटना का शिकार भी आम जनता हो रही है। मुझे 25 साल हो गए रहते हुए, लेकिन अभी जो हम डिफिकल्टीज जो फेस कर रहे हैं, मुसीबत जो है, ये फ्लाईओवर के कारण जो नीचे की रोड जो है ये ना बनने के कारण हम लोगों के यहाँ बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं। 3-4 बार तो हमारे बुजुर्ग लोग स्कूटर से यहाँ पे स्लिप होके गिरे हैं और उनके पाँव में फ्रैक्चर भी हुआ है और कंधे में भी डिसलोकेट हो गया है का। और 2 लेडीज़ जो बेचारी पैदल जा रही थी, राउंड अबाउट 75 ईयर्स की हैं, उनको भी यहाँ पे चलने में दिक्कत गई और उनके पाँव में फ्रैक्चर, घुटने में फ्रैक्चर आ गया। जल भराव की स्थिति बहुत ज़्यादा बनती है कि और इतनी मुसीबत हो जाती है कि समझ में नहीं आता कि कहाँ से जाएँ कहाँ से नहीं जाएँ, इतना प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ पे। अब पार्षद बोलता है भैया ये तो PWD का काम है और ये है वो है, इसी में बात चल जाती है। बस देखते हैं, करवाते हैं, बस थोड़ी बहुत वो गिट्टी डलवाई, बस एक आध दिन की बात है, फिर वैसे का वैसे सेम टू सेम। प्रशासन को सख्ती के साथ फ्लाईओवर निर्माण एजेंसी से रानीताल सड़क को मोटरेबल बनवाना चाहिए, ताकि स्थानीय लोगों के साथ यहां से गुजरने वाले राहगीरों को इस समस्या से निजात मिल सके।
लगभग 3 दिन पूर्व ग्वारीघाट शाहनाला में दिखाई दिए गए मगरमच्छ ने दोबारा अपने दर्शन नहीं दिए, लेकिन इस खबर के फैलने के बाद क्षेत्र में अभी भी दहशत का माहौल है और लोगों की भीड़ शाहनाला के पास इस उम्मीद में लगी रहती है कि शायद फिर से उन्हें मगरमच्छ की झलक दिखाई दे। शाहनाला में मगरमच्छ देखे जाने के बाद से ही क्षेत्र में दहशत का माहौल है और वन विभाग द्वारा रेस्क्यू किए जाने की प्रक्रिया भी ठीक से नहीं की गई, ऐसा लोगों का मानना है। उनका कहना है कि वन विभाग के पास संसाधनों की कमी है, लिहाजा रेस्क्यू अभियान भी महज खाना पूर्ति बन गया है। नारी नाले के पास पर ये मगर आया है कहीं से और जिसको देखने के लिए काफी भीड़ लगती है और वन विभाग का अमला अभी तक पता नहीं क्या कर रहा है। 1 सप्ताह हो गए हैं, वह निकलता है और भीड़ भाड़ की आवाज़ सुनकर फिर अपने अंदर चला जाता है, जिससे कोई भी दुर्घटना होने की पूरी संभावना है। लोग घुसते भी हैं पानी के अंदर, कई मच्छी मारते हैं, कई लोग शौक बस जाते हैं और यहाँ जो जाली लगी हुई है तो सुरक्षा की दृष्टि ठीक है, लेकिन इतनी भीड़ हो रही है प्रतिदिन देखने के लिए, जिससे आए दिन किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्घटना हो सकती है। यहाँ पे 1 हफ्ते से देख रहे हैं कि रोज मगर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई पकड़ने वाला नहीं आ रहा है और हमेशा डर बना रहता है यहाँ पे। कभी भी मतलब कभी भी वो निकल सकता है, किसी पर भी हमला कर सकता है, तो वन विभाग को पकड़ना चाहिए जनता सेफ हो सके। हालांकि 3 दिनों से मगरमच्छ दोबारा नजर नहीं आया है, लेकिन शाहनाला के रेलिंग पर लोगों की भीड़ अभी भी लग रही है। नवरात्र के चलते शहर में चारों तरफ माता रानी के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। आस्था और भक्ति के साथ मां आदिशक्ति का अनुष्ठान करने श्रद्धालु बड़ी संख्या में देवी मंदिरों में पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में गंजीपुरा स्थित सार्वजनिक श्री शिव शक्ति हरदौर मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। मन में आस्था और भक्ति का संचार करने वाला यह नजारा है गंजीपुर श्री शिव शक्ति हरदौल मंदिर का। यहाँ माता अपने सिंहवाहिनी रूप में विराजमान है। मंदिर के सदस्यों का कहना है कि करीब 150 साल पुराना यह मंदिर मुख्य रूप से हरदौल लाला का है। 1993 में बिहारी लाल साहू द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार कर माता सिंहवाहिनी की प्रतिमा को स्थापित किया गया। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ माता के साथ गौणकालीन प्रतिमाएं स्थापित हैं, जिसमें शीतला माता, भैरव बाबा, लक्ष्मी नारायण और सूर्य नारायण प्रमुख हैं। नवरात्र के 9 दिन माता की महाआरती के साथ 21 प्रकार के भंडारे का वितरण होता है। बहुत पुराना, करीब 150 साल पुराना है, हरदौल मंदिर के नाम से जाना जाता रहा। 1993 में माता रानी की मूर्ति की स्थापना स्वर्गीय बिहारी लाल साहू द्वारा की गई और इसका जीर्णोद्धार मंदिर उनके द्वारा किया गया और अन्य देवियों की मूर्ति की स्थापना की गई। हरदौल लाला के अलावा माता रानी की पुरानी गौड़वाना के समय की मूर्तियां की भी स्थापना इस मंदिर में की गई है। हमारे समस्त सदस्यगण एवं पदाधिकारी 9 दुर्गों में 21 प्रकार के भंडारे का रात में 8 बजे से वितरण किया जाता है। रात्रि में 10 बजे महाआरती का भी आयोजन प्रतिदिन किया जाता है। रात्रि में 2 बजे तक भंडारा चालू रहता है। माता रानी के दर्शन से मन को शांति मिलती है, यह कहना है माता के दर्शन करने आए भक्तों का। भक्त बताते हैं कि आज तक उन्होंने माता से जो भी मांगा माता ने उससे ज्यादा दिया। मेरी आस्था हरदौल मंदिर से ही जुड़ी हुई है और मैं हमेशा हरदौल मंदिर ही आती हूँ और मेरी मान्यता पूरी होती है और मेरी ये मन्नत वाली भी माता है, जिसकी मानता जो भी मानता है तो मानता जरूर पूरी होती है। मैं भगवती माता जगदम्बा के दरबार में आई हूँ और मैं सदा यहीं आती हूँ और यहाँ बहुत से भक्तगणों की मनोकामना भी पूर्ति होती है। बोल जगत जननी अम्बे माता की जय। नवरात्र के 9 दिन माँ आदिशक्ति के दर्शनों की विशेष मान्यता है, लिहाजा शहर के देवी मंदिरों में माँ के दर्शनों हेतु भक्तों के पहुँचने का क्रम जारी है। नवरात्रि पर्व पर शहर में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में यादव कॉलोनी क्षेत्र से दुर्गा पंडालों में महाआरती कर प्रसाद वितरण किया गया। यादव कॉलोनी क्षेत्र में विराजी मां त्रिपुर सुंदरी की प्रतिमा भक्तों की आस्था का केंद्र बनी है। समिति के सदस्यों ने बताया कि पिछले 7 वर्षों से मां त्रिपुर सुंदरी की प्रतिमा की स्थापना की जा रही है, जिसके दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में भक्तगण आते हैं। समिति के द्वारा महाआरती कर प्रसाद वितरण किया गया। जयनगर यादव कॉलोनी, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जय मातापुर सुंदरी को विराजमान किया गया है। हम लोग 7 वर्षों से मातापुर सुंदरी को बैठाते आ रहे हैं। हमारी समिति को 41 वर्ष हो चुके हैं। इसके पहले हम लोग दुर्गा जी की प्रतिमा
गढ़ा थाना क्षेत्र त्रिपुरी चौक के पास मोटरसाइकिल सवार दो युवक सड़क हादसे का शिकार हो गए। बताया जाता है कि रोड डिवाइडर से टकराने के कारण यह हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही गढ़ा थाने का स्टाफ घटना स्थल पहुंच गया और दोनों घायलों को तत्काल इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल भेजा गया। दोनों युवक मंडला के रहने वाले बताए जा रहे हैं। गढ़ा थाना क्षेत्र त्रिपुरी चौक के नजदीक बीती रात मोटरसाइकिल सवार दो युवक हादसे का शिकार हो गए। भीड़भाड़ से भरी इस सड़क पर हुए हादसे में दोनों युवकों को गंभीर चोट पहुंची। घटना की जानकारी लगते ही गढ़ा थाना प्रभारी ब्रिजेश मिश्रा तत्काल स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने घायलों को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल भेजा। बताया जाता है कि दोनों घायल मंडला जिले के रहने वाले हैं और मोटरसाइकिल रोड डिवाइडर से टकराने के कारण यह हादसा हुआ। युवकों के नशे में होने की संभावना भी व्यक्त की गई है। ये त्रिपुरी चौक के पास में सूचना मिली थी कि वाहन दुर्घटना हुई है। तत्काल गढ़ा थाने का स्टाफ और मैं स्वयं वहाँ पहुँचे थे और मोटरसाइकिल चालक दो मोटरसाइकिल में सवार व्यक्ति थे वो किन कारणों से गिरे हैं या किसी से टकराए हैं ये तो जाँच का विषय है, पर घायलों को तत्काल वहाँ से उठा करके मेडिकल हॉस्पिटल भेजा गया है। जैसा कि देख रहे हैं कि आज काफ़ी भीड़ भाड़ है और भंडारे वगैरह भी चल रहे हैं, लोग दर्शनार्थी आ भी रहे हैं। थाने का स्टाफ और ट्रैफिक व्यवस्था पूरा लगा हुआ है और कुछ लोग कई बार इस तरह की घटनाएं शराब पीने से भी होती हैं, पर हम लोग पूरी मुस्तैदी से अपना काम कर। घायल के सिर में चोट लगी दिखाई दे रही थी जिसे तत्काल गढ़ा पुलिस के द्वारा मेडिकल भेजा गया है। इस घटना के बाद कुछ देर के लिए सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ। हालांकि पुलिस हादसे के कारणों का पता लगा रही है। कृषकों के खातों से फर्जीवाड़ा कर रासायनिक खाद सामग्री को क्षेत्र के काश्तकारों को नगद विक्रय कर 10 लाख रुपए की राशि हड़प करने के मामले में पनागर पुलिस ने कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित सिंगौत के निलंबित कर्मचारी के विरुद्ध पनागर थाने में धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पनागर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी निरीक्षक पुनीत तिवारी ने लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि सिंगौत की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के निलंबित कर्मचारी नरेंद्र पटेल के द्वारा कृषकों के खातों से फर्जीवाड़ा कर 10,18,163 रुपए की राशि हड़प कर ली गई है। इस मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन और सहकारिता विभाग में भी की गई थी। शिकायत की जाँच के बाद पुलिस ने मामले में प्रकरण पंजीबद्ध किया और मामले की जाँच शुरू कर दी है। थाना पनागर अंतर्गत यहाँ पर एक मर्यादित सिंगौद के निलंबित कर्मचारी नरेंद्र पटेल के विरुद्ध में एक मामला पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें ये किसानों से 10,18,000 रुपए की राशि हड़प कर और ये अन्यत्र किसी काम में इन्होंने अपने अवैध लाभ अर्जित करने के लिए कमाए। पुलिस द्वारा मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए।